हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हो आप, ये प्रोडक्ट है जो मुझे रिसीव हुआ है। ये इसकी आउटर पैकेजिंग देखिए फ्रेंड, और ये एक यहाँ पर आप देखकर तो समझ गए होंगे कि ये एक पंचिंग मशीन है और ये कंगारू ब्रांड की है। कंगारू 280 पंच इसका ब्रांड नेम है, और इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ आपके सामने और दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट मुझे कैसे क्वालिटी का रिसीव हुआ है। मैं इसकी जो प्राइस डिटेल वगैरह है वो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये हमें अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और इसका जो कलर, इसमें हमें 2 से 3 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे पैक होके आया है। ये देखिए, ये मुझे ऑरेंज कलर में रिसीव हुई है। इसमें हमें 2-3 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और ये रैंडमली कलर है, कोई भी आ सकता है कलर। तो मुझे ये ऑरेंज कलर रिसीव हुआ है। इसमें हमें ब्लू, जो मैं इसका वेट बोलूँ तो इसका अच्छा खासा वेट है, और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर है कंगारू 280, ये इसका ब्रांड नेम। डेली की लाइफ में इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट को परचेज़ किया है और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं इसे यहाँ से भी ओपन कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ये हटा दिया है इसकी पैकेजिंग को, और यहाँ देखिए मैंने इसका ये आउटर पैकेजिंग हटा दी है, और हटाते से ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे ओपन हो चुका है। और देख सकते हो आप, इसे इसका यूजर्स वगैरह तो सबको ही पता है। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका यूज़ मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल है इसका यूज़। बस हमें यहाँ पर जो एक गैप बना हुआ है, इस गैप में इसे पेपर को ऐसे फिक्स करना है। ये ऐसे पेपर डाल देते, जैसे हमें इसमें पेपर डाल देते हैं, बस हमें सिंपली इसे ऊपर से प्रेस करना है, और ये पंच हो चुका है। ये देखिए, इसमें होल हो, ये देखिए ये और होल हो चुके हैं इसमें। और इसी तरह से हम इसमें हम सिंपली होल करके इन पेपर्स को फाइल वगैरह में अटैच कर सकते हैं, और जो इसका वेस्टेज होगा ये इसके बैक साइड में जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें यहाँ पर स्टोर हो जाता है बैक साइड, यानी कि इससे कोई कचरा वगैरह भी नहीं होता है। मैं ये जो बैक साइड, जब ये फुल हो जाता है या फिर हमें इसे साफ़ करना होता है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। बस हमें इसे यहाँ से सिंपली ओपन करना है, ये निकल जाता है पूरी। ये देखिए, इसमें जो भी हमारा पेपर वगैरह की कटिंग है, कचरा है, इसे हम ऐसे निकाल कर ईजिली से साफ़ कर सकते हैं, और साफ़ करने के बाद वापस इसे हम ईजिली ऐसे फिक्स कर देंगे। इसे निकालना और वापस से फिक्स करना बहुत ही ईजी है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे इसका यूज़ कैसे करना है। और ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।